सीतापुर नगर के सिधौली रोड पर मिस्ट्रिक स्टेशन रोड निवासी मुख्तार खान पुत्र सिरदार खान की न्यू फैशन टेंट हाउस के गोदाम में दोपहर भीषण आग लग गई। जिस समय आग लगी टेंट हाउस संचालक गोदाम का माल लेने लखनऊ गया हुआ था। गोदाम बंद था जिसके कारण आग लगने की जानकारी होने पर आसपास के लोगों ने संचालक और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि तत्काल सूचना कर अन्य अग्निशमन वाहन को भी बुलाया गया, जिसके बाद कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वह मिस्ट्रिक फायर स्टेशन प्रभारी राज बहादुर ने बताया कि उन्हें 12 बजे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद तत्काल मौके पर गाड़ी भेजी गई, लेकिन आग ज्यादा होने के कारण अन्य फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मंगाई गई, लेकिन गोदाम चारों ओर से बंद होने के कारण धुआं अंदर भर रहा और आग बुझाने में बाबत समस्या रही। बाद में किसी तरह पुलिस के जवानों ने अंदर जाकर पीछे दीवार काटी, जिससे धुआं बाहर निकला और वेंटिलेशन होने के बाद आग पर काबू पाया गया। यह ऑपरेशन बहुत जटिल ऑपरेशन रहा, लेकिन इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। अभी तक इस भीषण आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। वही संचालक ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि उसे आग लगने की सूचना मिली है और वह वापस पहुंच रहा है। इससे अनुमान लगाया गया कि लगभग 3.5 लाख रुपए का माल जला है, बाकी अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है जिससे आग लगी है। लगी थी और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। क्या मामला था और कहाँ का मामला था और कितने घंटे आग बुझाने में लगे? ये हमको 11:50 पर सूचना मिली कि मिश्रिक कस्बा मिश्रिक के पांडे नगर में न्यू फैशन टेंट हाउस में आग लगी हुई है। हमारी गाड़ी तत्काल, एक गाड़ी हमारी घटनास्थल के लिए प्रस्थान हुई। यहाँ आकर के उसके द्वारा बताया गया कि आग जिस जगह पर लगी है वो ज़्यादा आग है, दूसरी गाड़ी की आवश्यकता है। इसके बाद हमारी दूसरी गाड़ी भी मई यूनिट के घटनास्थल पर उपस्थित हुई और आकर के अग्निशमन का कार्य प्रारंभ किया। आग की क्या स्थिति थी कि पता लगा गोदाम में आग लगी थी, तो ऐसे में बुझाना कैसे संभव था? ये थोड़ा जटिल मामला था। ये टेंट हाउस का गोदाम था जिसके अंदर कोई किसी प्रकार का वेंटिलेशन या बाहरी कोई रास्ता नहीं था, इतना इसमें धुआं भरा हुआ था। हमारे सारे जवान देखिए बिल्कुल इसमें अंदर बैठ करके लेट करके और अंदर जा करके आग की जड़ को, जहां पर आग जल रही थी वहां काम करना शुरू किया, और कुछ सिपाही हमारे पीछे जा करके वेंटिलेशन के लिए खिड़की मतलब पीछे काटना शुरू किए जिससे धुआं बाहर निकल। क्या कुछ इस आग की जानकारी हुई कैसे आग लगी थी? अभी पता किया जाएगा, अभी आग लगने की जानकारी प्राप्त नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मैं मिश्रिक फायर स्टेशन प्रभारी राज बहादुर।